बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 4.1 मैं आपको करवा रही हूँ। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विद जनरल टर्म। आपने जो है वो सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स को फाइंड आउट करना है, जिसकी जनरल टर्म है आपके पास ए एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपके पास जो है वो साइन है फैक्टोरियल की। ठीक है, दिस साइन इज कॉल्ड साइन ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, यह आपने जो है वो आपको एन जो है जनरल टर्म दी गई है और आपने इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं। इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आपके पास जनरल टर्म हो और आपने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी हो, तो आपने करना क्या होता है, आपने जो है जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं एन की जगह 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से 5 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो आपने 5 वैल्यूज़ को करना होगा पुट। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें गिवन है ए एन इज़ इक्वल्स टू एन प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस की शुरू की 5 जो है वो टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। n की जगह आपने क्या पुट करना होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ पुट n इज इक्वल्स टू 1। अगर हम n की जगह जो है वो 1 पुट करें तो हमारे पास होगा a 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, n की जगह जस्ट आपने वही वैल्यू पुट करनी है जो आपने n को बोली है। 1 इधर n है और इधर n है, 1 और 1 यहाँ पर पुट हो गया, तो ये आपके पास ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल आपके पास हो गया है कैंसिल, तो आपके पास जो है वो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा a1 जो टर्म आएगी आपके पास वो होगी यहाँ से सिंपल 1। इसी तरह से आपने पुट करना है पुट n इज इक्वल्स टू 2। n अगर आप 2 पुट करेंगे तो a n की जगह 2 n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये हो गया 2 प्लस 1, 3 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में है 2 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब आप 3 फैक्टोरियल को इस तरह कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए भाई 3 फैक्टोरियल है ना, तो 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 2 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से मैंने किया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में तो 2 फैक्टोरियल है। अब इसको बनाने की वजह ये थी कि ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो a2 आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 3। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा जो पॉइंट था मैं जो आपको समझाना चाह रही थी कि हम फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं। अब है n इज़ इक्वल्स टू 3, तो a3 इज़ इक्वल्स टू n की जगह 3 प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 3 प्लस 1 4 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल एज इट इज़। अब 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब देखें इसी तरह से अगर 4 फैक्टोरियल है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 4 फैक्टोरियल है तो 4 से स्टार्ट होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 फैक्टोरियल के बराबर होता है, तो हम 4 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब क्यों लिखा, क्योंकि कैंसिलेशन हो जाए, डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए आपके पास, तो 4 3 हो गया आपके पास यहाँ से 12। ठीक है, ये आ गया आपके पास यहाँ से a3 इज इक्वल्स टू 12। नाउ पुट n इज इक्वल्स टू 4,
ए एन की जगह आ गया फोर और एन की जगह फोर प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, फोर प्लस वन फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल। अब इसी तरह से फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय, अब हम फाइव फैक्टोरियल को भी लिख लेंगे, फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में है टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल कैंसिल, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री ज़ा सिक्सटी। इसी तरह से पुट एन इज इक्वल्स टू फाइव, ए फाइव इज इक्वल्स टू एन प्लस वन यानी फाइव प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, फाइव प्लस वन हो गया सिक्स फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में है टू फैक्टोरियल। सिक्स फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी है टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल कैंसिल, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, थर्टी फोर ज़ा वन ट्वेंटी, तो ए फाइव आपके पास आ गया है 360। इस तरह से आपने फर्स्ट फाइव जो है वो सीक्वेंस की टर्म, फर्स्ट फाइव टर्म्स फाइंड आउट कर ली सीक्वेंस की, और वो आपके पास जो जनरल टर्म थी वो थी ए एन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल। थस द फर्स्ट फाइव टर्म ऑफ द sequence with general term a n is equals to n plus 1 factorial upon 2 factorial r. Our first five terms kya hain aapke paas 1 3 12 60 360 ये आ गई हैं आपके पास फर्स्ट फाइव टर्म्स। ठीक है, अब इसे आप मज़ीद ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हैं, तो आप ऐसे कॉमा डॉटेड लाइंस जो है वो थ्री डॉट्स लगा दें कॉमे के बाद, आपको पता रहेगा कंटिन्यू है, हमने जस्ट फर्स्ट फाइव जो है ना फाइंड की है टर्म सीक्वेंस की, क्योंकि हमें फर्स्ट फाइव टर्म्स ही फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी और जनरल टर्म हमें दी गई थी। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सरसाइज 4.1 का। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।